हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के या फिर बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के, उनके पास में थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। स्पेशली जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में भी होता है। तो स्पेशली जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें, उनके पास इंग्लिश अगर फ्लुएंसी है तो आज के क्वेश्चंस में, जो मैं आप लोगों को आज के इस यूनिट में यूनिट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप सभी के पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए 10 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच में आपसे पूछे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बारी मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप सभी से पक्का पूछना ही जाना है, और मैक्सिमम की बात करें तो इससे आपसे ज्यादा पूछा जाना है। ये लास्ट ईयर भी पेपर में आया था और इस साल भी आएगा, क्योंकि इससे पहले भी आया था और इन्हीं यूनिट से क्वेश्चन पेपर बन रहा है। और अगर आप बाहर का कोई मटेरियल पढ़ रहे हो तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर पेपर आपके सोल के मटेरियल से बनेगा। तो सबसे पहले सोल के मटेरियल को टारगेट करो। तो यहाँ पर 5th यूनिट से क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं आप सभी को 5th यूनिट पे लेकर आ जाता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा क्या, ताकि आप सभी बिल्कुल भी कंफ्यूज ही ना रहे भाई हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है। जैसे यहां मैं आप सभी के लिए यूनिट नंबर 5 लेकर आया, तो इस वाली यूनिट के अंदर सिंपली आपसे क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिट है। और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो यूनिट है, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो इंटरफेरेंस ऑफ जो टेक्नोलॉजी है या फिर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया से आप क्या समझते हो। तो अगर हम बात करें तो ये एक कम्युनिकेट का जरिया है, सिंपली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और सोशल मीडिया के जैसे आज हमारी एक अर्थ है, वैसे सोशल मीडिया का एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है, एक अलग ही स्थान होता है, जहाँ पर नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हम अलग अलग लोगों से, चाहे वो जानकार होते हैं चाहे वो अनजाने होते हैं, उनसे हम मिलते हैं। अलग अलग तरह के ऐप्स हमने अब देखे होंगे जो सोशल मीडियाज के होते हैं, लाइक फेसबुक है ना, मीडिया शेयरिंग साइट्स है उनमें आता है, उसमें इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह भी आप कह सकते हो। इसके अलावा कुछ अदर्स ऐप भी होते हैं, जैसे आप जोमेटो और ये कह सकते हो। ये सोशल मीडिया के ऐसे ऐप है जो कि हमें आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो सोशल मीडिया क्या है, आप यहाँ पर सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया, तो यू कैन राइट दिस। ओके, देन सेकंड चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि कई बारी हम इस सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, हम अपने सहूलियत के हिसाब से और हम अपने पर्पज के हिसाब से। अलग अलग तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है वो अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं। जैसे व्हाट्सएप के अंदर क्या दें, तो उसके अंदर प्राइवेसी का इनक्रप्टेड जो मैसेजेस है उसका हमें ऑप्शन मिलता है। तो वहीं दूसरी बात, तो कई बार कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे इंस्टाग्राम और या फेसबुक या फिर यूट्यूब, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो है तो सोशल मीडिया का, बट यहाँ पर हमारे जो बिना जानकार है उन तक भी हमारी खबरें, जैसे ये वीडियो है, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो तब भी आप जब सर्च करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो ठीक इसी तरीके से तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया भी कई तरीके के होते हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट है, जैसे IMO के बारे में आपने सुना होगा, तो ये IMO एक ऐसा था, या गूगल DU के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है, ये वीडियो कॉल्स के होंगे, इसके ये वीडियो कॉल के होंगे। तो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए भी एप्स बनाए जाते हैं, तो वो सोशल मीडिया का एक एरिया में प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया जो है, एक काफ़ी सिंपल वे में कहें तो इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए, या फिर एक कोई भी पर्सन जो किसी चीज़ को सीखना चाहता है वो यहाँ से सीख सकता है। जैसे एक एक टाइम होता है स्कूलिंग में जाने का, लगभग वैसे तो कोई टाइम नहीं होता एजुकेशन का, लेकिन एक एज के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई एक जनरली एक एज एक पर्सन है वो अपनी एजुकेशन ले रहा है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और वो पढ़ाई लिखाई करने का उसका कारण क्या है, उसका पढ़ाई लिखाई करने का कारण केवल और केवल एक बात यह है कि वो अपनी जॉब्स को सिक्योर करे, वो जॉब ले। लेकिन एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में या पहले के समय में हम ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे, तो लोगों ने ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ली नहीं। लेकिन आज के समय में कोई पढ़ना चाहता है तो वो, जैसे उसे हिंदी पढ़ना सीखना है, उसे इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो यूट्यूब ऑप्शन है, या फिर अलग जो सोशल मीडिया के जो सोर्स हैं वो ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप सभी को मिल जाएंगे, जहाँ के थ्रू आप इंटरेक्ट हो सकते हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो,
और अपनी बातचीत जो है जो आप सभी के लिए, उन सब सबसे को आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है क्या, और साथ ही साथ में हम देखें इस पेंडेमिक के दौर में जो है महामारी आई कोविड की, इसमें ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन हो गए, या फिर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया से जो कनेक्ट नहीं थे वो भी कनेक्ट हो गए। जिन लोगों को यूज करना नहीं आता था, अधिकतर लोगों ने इस चीज को यूज करना सीख लिया। तो ये एक रीजंस है। अब यहाँ पर आपसे पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपसे सिंपली लिखा हो जाएगा कि हाउ इज व्हाट्सएप इज हेल्पफुल फॉर अस, हमारे लिए व्हाट्सएप जो है वो हेल्पफुल क्यों है, किस तरीके से है, या व्हाट्सएप जो है वो कब फाउंड किया गया, कब इसकी स्थापना हुई। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में भी या वैसे भी आपसे आ सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो दो थे, दो पर्सन, उन्होंने क्या किया था, व्हाट्सएप को सबसे पहले बनाया था, समझ में आ रहा है। इसको बनाया गया था कि जहां पर अपने बिना किसी पैसे के चार्ज के हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ये कभी भी इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे प्रमोशन किया जाता है, फेसबुक पे प्रमोशन किया जाता है, तो वहां पर लोग आप उसके लिए पेड करते हो। तो यहाँ पर लेकिन कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। इवन दैट आप देखोगे कि ये कब फाउंडेड किया गया, तो 2009 में फाउंडेड किया गया, ठीक है। और इसके बाद में इसे आगे चलकर परचेज कर लिया था, ठीक है। कितने मिलियन में परचेज किया गया, किसके द्वारा परचेज किया गया, ऐसे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन भी आप सभी से पेपर में बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें यहाँ पर आप सभी से, जैसे फेसबुक के बारे में पूछा जाता है, और इसमें इवन दैट आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक्टिविटी की तरह ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोजी एंड इमोशंस। तो को इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मैसेज स्टाइल में इमोजी एक जरिया बन चुका है। तो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर इमोजीज के थ्रू हम ओनली ये डिजिटली हम क्या कर सकते हैं, डिजिटली हम इसको शो कर सकते हैं। और इमोशंस ऐसी चीज होती है जिसे हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको हार्डली या फिर इसको फील करेंगे तभी हमें इमोशंस के बारे में पता चलेगा। तो छोटे क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कैसे हमारी प्राइवेसी को खतरा है, इसको लेकर ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को ये पता चला, देखो फेसबुक से भी ऐसी है, और लास्ट ईयर का पेपर मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए अवेल करवाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर आप सभी से आपके पेपर में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। तो जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि द गोल्डन रूल्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, तो पेपर में आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि क्या इसके व्हाट्सएप ग्रुप के रूल होते हैं। तो यहाँ पर आप इस लिंक पे जाकर टैप करके देख सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं मिलता तो आप सोल सोल का आपके पास में स्टडी मटेरियल है, तो आप उस स्टडी मटेरियल से भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको टाइप कर सकते हो या फिर गूगल पे डायरेक्टली टाइप करके भी लिख सकते हो। बाकी आने वाली वीडियोस आप सभी के लिए जल्दी आएगी, और उसके अंदर आप सभी को अब तक इतना तो क्लियर होना चाहिए कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, इसका ओनर कौन है, और आप सभी को पता है ट्विटर के बारे में, अभी एलोन मस्क ने इसको रिसेंटली खरीदा ही है। तो ट्विटर के बारे में आप सभी से पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया के पहले पर्सन इसमें वर्क करते थे बट अब नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता दूँ, तो यहाँ पर ट्विटर हमारे लिए एक ट्रेंडिंग पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को बनेगा ही बनेगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस नंबर के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।